वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ मैं ये फैक्ट्री में आया हूँ, बहुत शोर है इधर। एक्चुअली आज आप लोगों को इस वीडियो में टोटल सारी चीज़ें एकदम डिफरेंट देखने को मिलेंगी। कैसे? क्योंकि अभी तक जैसे साड़ी आप पता नहीं क्या क्या मैंने आप लोगों को दिखाया है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को एयर फिल्टर दिखाऊंगा। जैसे ये गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में जो एयर फिल्टर जो यूज़ होते हैं, वो एयर फिल्टर आप लोगों को आज इस वीडियो में देखने मिलेगी। और साथ के साथ जैसे जो ऑयल फिल्टर लगते हैं गाड़ियों में, वो ऑयल फिल्टर आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट जो है फैक्ट्री में लेकर के आया हूँ और यहाँ पे बनते हैं। अगर मान लीजिए कोई एयर फिल्टर या कोई ऑयल फिल्टर अगर मार्केट में आप लोगों को होल सेल में भी 100 रुपये का मिलता है, तो यहाँ वो 40 रुपये का मिलेगा। कारण वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को जो भी चीज़ मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर मिलेगी। तो शोर काफ़ी है और इसी वजह से थोड़ा सा सोच रहे थे अंदर करके आप लोगों को थोड़ा चीज़ें दिखाएं। ये देखिए यहाँ इस तरीके से ये बन रहे हैं, इनकी टेस्टिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, फिर अंदर से पैक होकर के सामने चले जाते हैं। ये देखिए दर्पण है। तो प्रकाश इंडस्ट्रीज में मैं आया हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ के ओनर हैं चंगप्रीत जी। सर कैसे हो? बढ़िया सर, शोर काफी आ रहा है, एक बार अंदर चल के बात करें सर ऑफिस में। चलो सर। अच्छा, ये लैब किस चीज़ के लिए होती है सर? सबसे पहले हमारी जो सबसे जरूरी चीज़ है जी, क्वालिटी। अच्छा सर, उस मामले में हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं जी। मतलब उसके अंदर हमारी कोई भी, हम किसी भी तरीके की कोई भी कमी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा सर, क्योंकि हमारा जो काम ही है वही ये है कि कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। अच्छा, मतलब ये जो लैब है इसके अंदर चेकिंग होती है, मतलब जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसके बाद इसकी टेस्टिंग होती है? बिल्कुल जी, इसके अंदर इसकी टेस्टिंग होती है और इसके रॉ मटेरियल्स की भी टेस्टिंग होती है। अच्छा, आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं जी। जैसे ये जो इक्विपमेंट पड़ा है बड़ा सा, इसको हम एयर फिल्टर टेस्ट रिग कहते हैं। अच्छा सर, तो ये जो टेक्निकल बड़ी टेक्निकल मशीन है, इससे हम एयर फिल्टर की जो एक वो होती है एयर एफिशिएंसी और जो उसकी कैपेसिटी है वो चेक करते हैं, ताकि जो गाड़ी में वो लगे वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और एज पर ओईएम की परफॉर्मेंस दे, जैसे कि ओरिजिनल फिल्टर की परफॉर्मेंस। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब किस किस चीज में यूज होते हैं सर, एक बार ये बताइए। हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो गाड़ियों के भी बनाते हैं फिल्टर्स, बाइक्स के भी फिल्टर्स बनाते हैं, थ्री व्हीलर्स के भी फिल्टर्स बनाते हैं, और यहाँ तक कि ट्रैक्टर्स और ट्रक्स के भी फिल्टर्स बनाते हैं। अच्छा सर, हाँ जी। तो सर से एक बार एक बड़ी अच्छी बड़ी रेंज है हमारे पास फिल्टर्स की। अच्छा सर, जिसके अंदर के एयर, ऑयल और फ्यूल फिल्टर, तीनों तरीके के फिल्टर्स इंक्लूडेड। और सर जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बोला है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर ही सारी चीजें मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम ही यही है, अगर आज एक मैन्युफैक्चरर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे वाजिब दाम पे किसी को एक प्रोडक्ट देगा जी, तभी उसको उस प्रोडक्ट की सेल मिल पाएगी। और हमारे साथ तो स्पेशलिटी ये है कस्टमर के पास कि हम उसको सिर्फ एक मतलब अच्छी प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं दे रहे, उसको एक अच्छी क्वालिटी का भी प्रोडक्ट दे रहे, जो कि आप इस टेस्ट लैब से मेरे ख्याल से पहचान पाएंगे। सर एक बार सैंपल और दिखाइए सर, सैंपल आपके पास क्या क्या होते हैं? अच्छा सर, एक चीज और मेरे को बता दीजिए साथ के साथ के, जैसे अगर कोई आपके पास ऑर्डर करता है, अगर दिल्ली से बाहर का कोई बंदा है, फोन किया आपके पास, व्हाट्सएप पे सैंपल मंगाए, ऑर्डर किया, तो मिनिमम कितना ऑर्डर वो ले सकता है सर? सर देखिए, हमारी कोशिश रहती है सिर्फ होलसेलर्स को डील करने की जी, हम रिटेल कस्टमर्स को बिल्कुल डील नहीं करते जी, क्योंकि उनके साथ हमारी जो एक आप कहते हैं कमर्शियल्स नहीं मैच करते हैं। तो हम मिनिमम कोशिश करते हैं कि हमसे दस, हमारे पास एक जो ग्राहक आए वो कम से कम हमारे से 10,000 से 15,000 का माल जरूर ऑर्डर करे। अच्छा, एक तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो कम से कम 25-30 हज़ार का, बट हाँ हम 10 से 15 हज़ार का भी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो ये तो बात होगी सर ऑनलाइन वाले कस्टमर की। सर अगर इधर कोई फैक्ट्री में अगर आपके पास आ जाता है तो सर उसको कितना ऑर्डर मतलब मिनिमम आप जो है दे सकते हो सर? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हमारी फैक्ट्री में आना चाहता है उसके लिए मोस्ट वेलकम जी, और वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी देख सकता है, उसको परख सकता है। बिल्कुल सर,
और उसको हम अपने बारे में और बेहतर बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, तो हम तो वेलकम करेंगे कि हमारी फैक्ट्री में आए। सर ये तो खास चीज है, देखिए फैक्ट्री में आने से फायदा क्या होगा कि वो प्रोडक्ट देख लेगा, लाइव दिखेंगे, चीज कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी उसको। तो सर लेकिन अगर कोई आपसे आके बोलेगा कि ये मेरे को 10 पीस दे दो, 1 पीस दे दो, 2 पीस दे दो, तो वो दे पाएंगे सर या नहीं दे पाएंगे सर? सैंपल के तौर पे वो हमसे चाहते हैं कि हम उसको 10-15 पीस एज सैंपल दे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हम जरूर देंगे। अच्छा सर, अगर वो हम चाहेंगे कि अगर वो हमको ऑर्डर दे तो मिनिमम उसकी क्वांटिटी जो रहे या जो ऑर्डर वैल्यू रहे वो 10-15 हज़ार की रहे। ठीक ठीक सर, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ऑर्डर जो है मिनिमम आप हमें 10 या 15 हज़ार का ऑर्डर दीजिए ताकि वो हमारे लिए भी अच्छा हो, आपके लिए, ग्राहक के लिए भी अच्छा हो। तो एक बार सर प्राइसिंग वगैरह और बताएं कि आपके पास क्या क्या आइटम्स हैं सर? देखिए हमारे पास जैसे आप अगर ये शोकेस देखेंगे तो इसके अंदर तरह तरह के फिल्टर्स लगे हैं, जैसे ये 4-व्हीलर के एयर फिल्टर्स हैं। अच्छा, जैसे आपके हमारे फील्ड में बड़ी मशहूर गाड़ी है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। अच्छा सर, तो ये उसका एयर फिल्टर है। अच्छा, विटारा ब्रेजा का एयर फिल्टर है। बिल्कुल, ये विटारा ब्रेजा का एयर फिल्टर है। आपके पास प्राइसिंग भी बताते जाए सर साथ के साथ। ये फिल्टर जो आपको है ये मार्केट में आपको हो सकता है मिनिमम से मिनिमम भी 300-350 रुपए का मिलेगा। अच्छा सर, बट आप अगर हमारी फैक्ट्री में यहाँ आएंगे तो हम आपको ये फिल्टर 110 रुपए में भी दे देंगे। 110 रुपए? हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। और वही है हमारी फैक्ट्री में हमारे एक मैन्युफैक्चरर के दाम में और जो ग्राहक को मार्केट में माल मिल रहा है उसके दाम में जाहिर सी बात है फर्क है। बिल्कुल सर, और दिखाएं सर। अगर हम देखें 2-व्हीलर्स की बात करें जैसे बाइक्स के फिल्टर से, जैसे ये हमारा एक 3G का फिल्टर है। अच्छा, एक्टिवा 3G बाइक स्कूटी। अच्छा सर, गियरलेस स्कूटी चलती है सर एक्टिवा, ये उसका फिल्टर है जी। तो ये जो कंपनी का OEM का प्राइस है वो 270-250 रुपए का है। अच्छा सर, और हमारी फैक्ट्री में अगर कोई हमारे पास बंदा है तो हम उसको ये फिल्टर 70 रुपए में भी दे देंगे। अच्छा सर, इतना फर्क। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो कस्टमर के लिए आप सोचिए कि कितना फायदा है उसको अगर वो हमारे साथ डायरेक्ट डील बनाते हैं। और सर ये मेरे ख्याल से ये ऑयल फिल्टर्स वगैरह होते हैं ऊपर की तरफ जो रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपको मेरे लगता है काफी एक्सपीरियंस है। हाँ, ये गाड़ी में लगवाता रहता हूँ। तो जैसे अब जैसे ये फिल्टर जो मेरे हाथ में अभी है ये 3-व्हीलर का है, बजाज के 3-व्हीलर का ऑयल फिल्टर है। ठीक है, इसके अंदर ये इसको बाउल कहते हैं, इसको ऊपर की कवर असेंबली कहते हैं जी। ये जो फिल्टर है अगर आप 3-व्हीलर का एक जो ग्राहक है वो वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है प्राइस को लेके जी। अगर आप ये फिल्टर बाजार में लेने जाते हैं तो जो ओरिजिनल कंपनी का फिल्टर ये 125-150 रुपए लेकर का फिल्टर है। और हम आप अगर हमारे पास आते हैं तो ये फिल्टर हम आपको 42 रुपीज में भी दे सकते, 42 रुपए में सर। और बताएं सर और क्या क्या चीजें हैं सर? जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये बाइक्स के फिल्टर्स हैं, ये बाइक्स के ऑयल फिल्टर। अच्छा सर, तो ये जो फिल्टर अभी मेरे हाथ में है या जो आप अपने कैमरे में दिखा रहे हैं जी, ये फिल्टर्स जो है ये पल्सर 200 NS का ऑयल फिल्टर है। ये वाला पल्सर 200 NS का है जो बाइक है इंडियन मार्केट में जो इधर चलती है। और भी आपको मैं सैंपल दिखा सकता हूँ, एक बार आप मेरे ऑफिस में आइए। इसका रेट क्या होगा सर? इसका सर ये फिल्टर जो है आपको बाजार में आप लेने जाएंगे तो करीब 52-54 रुपए का है। अच्छा, जो कि हम आपको यहाँ पे अपने ब्रांड में पैक करके 20 रुपए का भी दे देंगे। बहुत बढ़िया सर। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी पैकेजिंग कुछ इस तरह से होती है। अच्छा, ये हमारा एक सुपर स्प्लेंडर का फिल्टर है। हाँ, ये हमारी बॉक्स की पैकेजिंग रहती है, ये हमारी ब्रांडिंग के बॉक्सेस हैं। अच्छा सर, जो हमारे रहते हैं। और इस तरीके से हम एक सील्ड पॉली पैक में हम इनको रखते हैं। अच्छा, हम अपने कस्टमर को इस तरीके से ये प्रोडक्ट, मतलब आपका प्रोडक्ट इस तरीके से आता है सर पैकिंग में। ठीक है, इनकी अगर जैसे इस वाले फिल्टर की मैं बात करूं प्राइसिंग की तो मार्केट में कितने का मिलता है सर? आपके पास क्या इसकी प्राइसिंग? जैसे कि ये जो फिल्टर है ये एक बहुत ही हाई रनिंग प्रोडक्ट है जी। इसका जैसे कि जो हमारा MRP है वो रहता है जैसे कि आप देख सकते हैं 94 रुपीज का। अच्छा, इस पे MRP है 94 रुपीज का MRP हमारा रहता है। ठीक है, और इसको हम एक कस्टमर को जो हमारे पास आते हैं हम उनको 42-45 रुपीज में सेल कर देते हैं। 42-45 रुपए, 42-45 रुपए में हम उनको कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है सर जी। उसके साथ साथ हमारे पास ऑयल फिल्टर्स भी रहते हैं जो कि कुछ इस तरह से होते हैं। अच्छा, उनकी भी पैकेजिंग बिल्कुल ऐसे ही होती है। मतलब अगर एक मोटा मोटी तौर पे अगर मैं बताऊं तो आपकी पैकिंग ये आएगी, इस नाम से आपकी पैकिंग आएगी। हाँ जी, फिरोज़शाह हमारे ब्रांड का नाम है। ठीक है, मतलब इसको कोई अगर सर्च करेगा तो ये मिल जाएगा गूगल पे सब जगह पे। फिरोज़शाह हमारा ब्रांड का नाम है जिसको 1990 में रजिस्टर करवाया था। अच्छा सर, बहुत ही अट्रैक्टिव नाम है
और बहुत डिमांड है इसकी मार्केट में, बहुत अच्छा सेल करते हैं हम बाजार में इसको डीलर नेटवर्क के थ्रू अपने। तो ये सर एयर फिल्टर तो हो गया सर ये। हाँ जी। अब ये अब जैसे कि ये अगर आप देखें तो ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे चलता वाला फिल्टर है, मारुति का ऑयल फिल्टर कहते हैं इसको। अच्छा सर। इसका अगर मैं MRP की बात करूँ तो 84 rupees का हमारा MRP रहता है। अच्छा, मतलब मारुति कंपनी लगाती है सर इसको? जी, मारुति की गाड़ियों में ये फिल्टर। अच्छा, मारुति की गाड़ियों में चलता है। मारुति की गाड़ियों में ये फिल्टर चलता है। क्या रेट का ये मार्केट में मिलता है और आपके पास क्या रेट का होता है सर ये? सर हमारे पास हमारा जो MRP रहता है 84 rupees का। अच्छा, और अगर हम इसको मार्केट में 38-40 rupees का बेच देते हैं, हमारे पास कोई ग्राहक आता है तो 38-40 rupees का आपके पास है, 40 rupees का हम अपने डीलर और बाहर ये मिलता है कम से कम 80-90 rupees का है। बिल्कुल ठीक सर। और बताएं सर और क्या है? तो उसके साथ साथ ये हमारे पास कुछ एयर फिल्टर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि मारुति वैन जी, पुरानी से पुरानी गाड़ी। अच्छा, मारुति वैन जैसे मारुति इको, उसके अंदर ये फिल्टर एयर फिल्टर लगता है। अगर आप देखना चाहें इसकी क्वालिटी को, अच्छा, इसके पेपर के जो इसके अंदर मीडिया लगा है उसकी क्वालिटी को, तो ये एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाया हुआ हमने ये फिल्टर है। अच्छा सर। इसकी अगर आप रबड़ की क्वालिटी को देखते हैं, ये चीजें आपको आम फिल्टर्स में नहीं मिलेंगी जो आपको बाजार में मिलेंगी, ये सिर्फ हमारी स्पेशलिटी है जो कि हमारा इन हाउस है ये सब कुछ, तो हम ये चीजें सब मैनेज कर लेते हैं। क्वालिटी अच्छी है सर। ठीक। उसके साथ साथ अगर मैं इसका अपनी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ तो इसके साथ मैं आपको एक लेटेस्ट गाड़ी जो कि क्रेटा नाम से डीजल की गाड़ी आती है उसका एयर फिल्टर ये है। अच्छा, हुंडई की जो मतलब क्रेटा है ये उसका एयर फिल्टर है। हाँ जी, ये इसका रेट और बता दीजिए सर। सर OEM का अगर आप क्रेटा का एक OEM का फिल्टर अगर आप लेने जाएंगे तो वो आपको मिनिमम टू मिनिमम 400-450 rupees का मिलेगा। अच्छा सर। और हमारा जो प्राइस है वो आप सोच के हैरान हो जाएंगे, बता दो। हमारा जो सेलिंग प्राइस रहता है वो इस फिल्टर का अराउंड 140-150 rupees का हम अपने डीलर तो देते हैं। 140-150 rupees में? वाओ सर, बहुत बढ़िया। और दिखाएं सर और क्या है और प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे और फिल्टर्स की बात करें तो ये जैसे हमारा एक फिल्टर है जी, ये हमारी इसकी जो पैनल टाइप फिल्टर्स रहते हैं उनकी ऐसे पैकिंग रहती है। और ये जैसे होंडा की एक शाइन बाइक आती है उसका फिल्टर है ये, होंडा शाइन के अंदर बाइक में लगता है ये। हाँ जी। जैसे इसका MRP जो है वो हमने 90 rupees का रखा हुआ है, जो कि कंपनीज अपने ब्रांड में 160-150 rupees का उनका MRP है। अच्छा सर। जो वो सेल करते होंगे शायद 80-90 rupees में, बट हम अपने कस्टमर्स को ये 45 rupees का हम अपने कस्टमर्स को 45 rupees में सर दे देते। होंडा शाइन का एयर फिल्टर, बहुत बढ़िया सर। और क्या है सर और प्रोडक्ट्स, जैसे मैं दिखाऊं तो आपको, जैसे हमारे पास ये 3G का फिल्टर है जो मैंने आपको एक बार जिक्र किया था, ये इंडिया की सबसे ज्यादा चलने वाली स्कूटी है जिसका फिल्टर हम एक्टिवा। तो अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करें जी तो बिल्कुल एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एज पर OEM स्टैंडर्ड्स, एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स ये फिल्टर हमारे पास है। अच्छा सर। और ये प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं इसका MRP हमने जो 160 रखा हुआ उसका MRP कंपनीज का ही 250 rupees का MRP का। अच्छा, आपके पास 160 rupees का है और ये कंपनी में 250 rupees का। हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। और इसको हम बाजार में 80-85 rupees का सेल कर रहे हैं। तो हमारी रेंज में इस तरीके के फिल्टर्स भी हैं। अच्छा सर। इनको हम PU के फिल्टर्स कहते हैं, PU मोल्डिंग कहते हैं इसको। अच्छा सर। ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम कंपनीज हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है इस टाइम। अच्छा सर। और उनमें से हम एक हैं। अच्छा। और हम इस तरीके के फिल्टर्स में भी डील करते हैं। ये जैसे कि अगर आप बात करें तो ये डिस्कवर की गाड़ी आती है ST, उसके अंदर ये फिल्टर सूटेबल रहता है, उसके लिए ये फिल्टर सूटेबल रहता है। ठीक है सर। और इसके साथ साथ हमारे पास इस तरीके के जैसे फोम के फिल्टर्स भी रहते हैं जो कि हमारी रेंज में है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो हमारे पास प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड फिल्टर्स, PU के मोल्डेड फिल्टर्स, फोम के फिल्टर्स, इन्हें आप स्पिन ऑन टाइप फिल्टर्स कहते हैं, ये जो फिल्टर्स हैं ये भी हम अपनी प्रोडक्ट रेंज में रखते हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया ये 3-wheeler का फिल्टर है, बजाज की कॉम्पैक्ट के लिए सूटेबल है ये फिल्टर जी, उस फिल्टर का। और ये जैसे कि ये ऑयल फिल्टर देख रहे हैं, इसी के तरीके से ये एक फिल्टर है जो कि एक फ्यूल फिल्टर है, टाटा की गाड़ियों के लिए सूटेबल है ये फिल्टर। अच्छा सर। और इस फिल्टर की बहुत डिमांड रहती है मार्केट में, बहुत अच्छे सेलिंग प्राइजेस सेलिंग फिल्टर्स हैं ये जी। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स के प्राइजेस की बात करें तो हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्राइस की गारंटी देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट प्राइजेस सबसे वाजिब रखें ताकि एक कस्टमर को हमारे साथ काम करके अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिले, अच्छे से अच्छा मुनाफा हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
हर ग्राहक यही चाहता है कि उसको पैसे बचे, दो पैसे वो भी अपने घर लेकर जाए। बिल्कुल फैक्ट है सर, बिल्कुल। तो जैसे अगर इस फिल्टर की बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कंपनी का ओरिजिनल जो है वो करीब 150-180 रुपए तक के फिल्टर्स है, जो कि हम अगर आप हमारे पास अगर हमारा कस्टमर आता है हम उसको 65-70 रुपीज में भी सेल कर देते। ये सर बिल्कुल ठीक है। वैसे ही इन फिल्टर्स की, हाँ जी, ये जो छोटे छोटे फिल्टर्स हैं ये सामने रखे, ये किस चीज के हैं सर? जैसे ये एक फिल्टर जो है, ये मैं समझता हूँ कि एक हॉटकेक आइटम कहते हैं जिसको। अच्छा सर। ये कैलिबर और बजाज की काफी गाड़ियों के लिए सूटेबल रहता है, ऑयल फिल्टर है ये बाइक्स का। अच्छा सर। बाइक्स का, बाइक का ऑयल फिल्टर है ये, और हम ये करीब एक महीने में करीब 2-2.5 लाख पीस अपने इनहाउस बनाते हैं प्रोडक्शन में। अच्छा सर। और बहुत ही हाई सेलिंग प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का ये, और बहुत अच्छा बिकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी में हमने बनाया हुआ है, और प्राइस भी बहुत अच्छे रखे हुए हैं हमने इस प्रोडक्ट के। हम इसको मार्केट में नियर अबाउट 11 से 12 रुपए के बीच में इसको सेल कर देते हैं। और सर क्वालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए एक्चुअली मार्केट और बहुत हैं, प्रोडक्ट्स और बहुत बिकते हैं इस टाइप के, तो क्वालिटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए आपने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जी, आपने सबसे पहली चीज जो मैंने आपको दिखानी समझी वो है हमारी टेस्ट लैब। जो हमारे पास ये टेस्ट लैब है इसके ऊपर हमने नाना करते भी कम से कम 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, हमने इसके अंदर काफी इन्वेस्ट किया हुआ है। स्टेट ऑफ द आर्ट है। और एक्चुअली जो ये हमने फिल्टर पेपर यूज किया है ये इंपोर्टेड फिल्टर पेपर है जी, जो कि हमने स्पेशली इंपोर्ट किया है बाहर से, ताकि हम अपने कस्टमर्स को वो क्वालिटी दे पाए जिसके लिए हमारा नाम प्योरोस्टार जिसके लिए चलता है, जिसके लिए मशहूर है हमारा नाम प्योरोस्टार। ठीक, बहुत बढ़िया सर। देखिए ये क्वालिटी तो खैर मैंने फर्स्ट टाइम जब ये मैंने फिल्टर को देखा तो मैं समझ गया था कि जो प्राइसिंग बता रहे हो और जो चीज मैं इससे थोड़ी सी ज्यादा प्राइसिंग में मैं वहां से लेकर के आया था, तो क्वालिटी का बहुत अंतर है, बहुत बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है उस एयर फिल्टर में और इस एयर फिल्टर में क्वालिटी का सर। तो सर मेरे ख्याल से फिलहाल सारा कंप्लीट, या सर कुछ और बचा है अभी, या कुछ आप व्यूवर्स को कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और बताना चाहेंगे आपकी जैसे ऑडियंस को? हम अपने व्यूअर्स को बस यही बताना चाहेंगे कि हमारी जो ये स्ट्रैटेजी है, जो हमारे काम करने की, वो कोई आम स्ट्रैटेजी नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हम एक प्रोडक्ट अगर बनाएं तो उसके अंदर अपना पूरा दिल, अपनी पूरी जान डाल दें, ताकि जब वो एक प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाए तो वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदे, ये नहीं कि सिर्फ एक बार खरीदे। हम चाहते हैं कि ये कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को और जाने पहचाने, और उनको कोई भी किसी तरीके की कोई बातचीत है तो वो हमसे करें, हमसे डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा जी। और मैं उनको ये चीज बताना चाहूंगा कि जैसे इस प्रकार के शीट मेटल के फिल्टर्स हैं जी, हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहते हैं कि हम इन शीट मेटल के फिल्टर्स के जो कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि ये जो बाउल है, शेल है, और जो ऊपर का कवर है, ये भी हम अपने इनहाउस बनाते हैं। तो अगर वो अपने एंड पे भी वो फिल्टर्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कभी जो कोई मैन्युफैक्चर करते हुए, तो वो हमसे ये फिल्टर्स के कंपोनेंट्स भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा सर। हम वो भी अपने प्रोडक्ट रेंज में रखते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर।